ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 1 नवंबर को करवा चौथ का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी और आपके हस्बैंड की उम्र को बहुत लंबी करें और आपको के रिलेशन को बहुत मजबूत करें, है ना। तो आज के इस वीडियो में करवा चौथ पे करने वाले 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे। बहुत सालों के बाद ऐसा संयोग देखने को मिला है। तो हम लोग पहले उपाय की बात करेंगे कि अगर आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनते हैं, बिल्कुल भी बात ही नहीं सुनते, अपने मन का करते हैं, तो क्या करोगे। दूसरा, अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए कौन सा उपाय करोगे। तीसरा, अगर आपके हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत क्रोध करते हैं ना, मारते पीटते हैं, तो तीसरा उपाय करना। और चौथे उपाय की बात करते हैं, अगर उनको किसी नशे की लत है, कोई भी गंदी हैबिट है उनकी ना, तो चौथा उपाय करना। ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। करवा चौथ के इस पावन पर्व पर आप सभी को इस उपाय को जरूर करना होगा, ठीक है। चलो समझते हैं एक एक उपाय की तरफ। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि मैंने लिख रखा था कि अगर आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं मानते हैं ना, किसी और की सुनते हैं बट आपकी नहीं सुनते, देखो क्या करोगे। यहाँ पर आपको एक रुद्राक्ष दिख रहा है, हमें कितने मुखी रुद्राक्ष चाहिए होगा। स्क्रीन पर जो रुद्राक्ष दिख रहा है ना, मैं काउंट करके दिखाता हूँ। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इसका मतलब हमें 9 मुखी रुद्राक्ष लेना है। यहीं पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, भैया हमारे पास नहीं है 9 मुखी रुद्राक्ष, हम क्या करें। आपके घर में अगर 9 मुखी हो तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कहीं से मिल जाए तब भी बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो अगर जो भी रुद्राक्ष आपके घर में हो, 5, 6, 4 मुखी, वो भी ले सकते हो, बट कोशिश करेंगे 9 मुखी रुद्राक्ष को ही लेंगे। 9 मुखी रुद्राक्ष के साथ हमें लेना होगा शहद, ठीक है। शहद की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखोगे, कम से कम 3 से 4 चम्मच शहद हो गया। शहद के साथ हमें लेना होगा मक्खन, क्या लोगे, मक्खन। अब अगर आपको रुद्राक्ष नहीं मिलता है तो भी बताता हूँ क्या करना है। इन तीनों चीज़ों को लेना, एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना आप अपने घर से, है ना, भर लिया। अब क्या करोगे, ये जो मैंने आपको शहद दिखाया ना, इसी शहद के अंदर अगर 9 मुखी रुद्राक्ष मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जितने भी मुखी रुद्राक्ष आपके पास में है इस शहद के अंदर डुबा देना, है ना। डुबा दिया और इस डूबे हुए रुद्राक्ष को लेकर के, शहद को लेकर के पहुँच जाओगे कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको देखो, इस उपाय को घर पे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि मंदिर ही जाना हो, कहीं पे भी कर सकते हो। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है ना। तो ये जो स्थान आपको दिखता है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, पता है। तो आपको क्या करना है, उस शहद जो रुद्राक्ष आपने शहद में डुबाया है ना, उस रुद्राक्ष को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको रख देना, ठीक है। रख दिया, बाकी जो आपके पास में शहद है ना, उस शहद को इसी रुद्राक्ष के ऊपर गिराओगे हाटकेश्वर महादेव के नाम से, या फिर अवधूतेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करना, हाटकेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शहद को इसी रुद्राक्ष के ऊपर गिराना, ठीक है। गिराने के बाद महादेव से प्रार्थना करना है, हमारी बातें बिल्कुल नहीं सुनते, हमें ऐसे वैसे कह, जैसे भी मतलब प्रार्थना आपको करनी हो आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना, मैं क्या ही बोलूं इसमें। तो आप प्रार्थना कर लेना, प्रार्थना करने के बाद शहद को वैसे रखा रहने, इस रुद्राक्ष को वहां से उठान करके फिर उसी कटोरी में रखना, और ये जो शहद भी गिरा हुआ है इसी शहद को फिर से जिस कटोरी से चढ़ाया था ना, उसी कटोरी में शहद को भी इकट्ठा कर लेना, है ना। इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, है ना। ये जो आपने यहाँ पे रुद्राक्ष को इकट्ठा किया है और शहद को, इसको लेकर के आप अपने घर जाना, रुद्राक्ष को धुल करके जहाँ से उठाया था वहीं पे रखना, बाकी का जो बचा हुआ शहद है उसको 11 दिनों तक लगातार, फिर से बोल रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनना, 11 दिनों तक लगातार, गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ में डाल करके, किसी भी चीज़ में मिला करके अपने हस्बैंड को खिलाना स्टार्ट कर देना, करवा चौथ के दिन से स्टार्ट करना, और 11 दिनों तक लगातार, दीपावली से पहले आपको खुद गुड न्यूज़ मिलेगी कि आपके हस्बैंड आपकी बात पहले कैसे करते थे और फिर सुधर कैसे गए, आपको खुद प्रैक्टिकल करके समझ में जरूर आएगा, है ना। समझ में आई बात मेरी, चलो। तो आप कहोगे भैया शहद बता दिया, रुद्राक्ष बता दिया, अब आपने कहा था मक्खन लेने, मक्खन का क्या करें। सेम काम मक्खन का भी है, अगर मान लेते हैं कि आपको रुद्राक्ष नहीं मिलता है, शहद नहीं मिलता है, तो सेम प्रोसेस आप मक्खन के साथ करेंगे। मक्खन को भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे, फिर इसको किसी पात्र में रोक लेंगे, इकट्ठा करेंगे, जल चढ़ाएंगे और मक्खन को ले जाकर के 11 दिनों तक लगातार अपने किस
अपने घर में हस्बैंड को आपको खिला देना होगा, ठीक है। करके देखिएगा, दोनों में से कोई भी एक काम करके देखेंगे, आपके हस्बैंड आपकी बात ज़रूर मानेंगे, ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की, जो कि हस्बैंड के लंबी उम्र की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि करवा चौथ का जो पर्व माना जाता है किसके लिए होता है, स्पेशली होता है कि हमारे हस्बैंड की लंबी उम्र हो, है ना। देखो क्या करना होगा इस केस में, आपको लेना होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा घी का दीपक, तो गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का घी का दिया लेना और इसको जला देना। जलाने के बाद क्या करोगे, किसी थाली में रखना, किसी थाली में रख लेना, प्लेट में रख लेना, और जहां से भी जब करवा चौथ के दिन रात में चंद्र भगवान के दर्शन हो, कब चंद्र भगवान के दर्शन हो, उस टाइम पे अपने छत पे जाना और चंद्र भगवान के चारों ओर घुमाओगे, किसके पास, जो आपने थाली में रखा हुआ है ना दीपक को, चारों ओर आपको घुमाना होगा चंद्रेश्वर महादेव के नाम से, किसके नाम से, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से घुमा लेना, ठीक है। घुमाने के बाद फिर आप क्या करोगे, इस जो दीपक होगी ना, इस दीपक में एक कमलगट्टा डाल देना, और कमलगट्टा डाल करके इस दीपक को आप अपने पूजा वाले कमरे में रखना, जहाँ पर भी आप अपने घर में पूजा पाठ करते हो, पाठ करते हो या फिर जैसे भी आराधना करते हो, वहाँ पर रख देना, और आपको कुछ भी कुछ और करने की वो थी नहीं। जो भी व्यक्ति करवा चौथ में 7 बार चंद्र भगवान की आरती उतारता है चंद्रेश्वर महादेव के नाम से, और फिर उस दीपक में कमलगट्टा डाल के अपने पूजा वाले कमरे में रख देता है, उनके हस्बैंड की जो उम्र होती है बहुत लंबी होती है। करवा चौथ पे ही सिर्फ करते हैं इस उपाय को, और किसी भी दिन नहीं किया जाता। तो करके देखिएगा, आपके हस्बैंड की जो उम्र होगी वो बहुत ज्यादा लंबी होगी, है ना। दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे तीसरा, कि पति का गुस्सा कैसे शांत करेंगे। हस्बैंड मारे भैया बहुत गुस्सा करते हैं, हर छोटी बातों को लेके खाना फेंक देंगे, मारना पीटना, है ना, इस टाइप की बहुत क्रोधी इस टाइम पे हस्बैंड हो गए। देखो क्या करोगे, लेकिन एक छोटा सा काम और कर दो आप, कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना, और जितने भी लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। अब देखो स्क्रीन पर फिर से आपको शहद दिख रहा होगा, तो इस बार इस उपाय के लिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास शहद लेना, ठीक है। शहद ले लिया, शहद के साथ हमें लेना होगा काला तिल, है ना, आपके घर में ज़रूर मौजूद होगा। अब काले तिल को भी 1 चुटकी लेना, यहाँ पे काउंट वगैरह नहीं करना है, 1 चुटकी काला तिल लेना, और इसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते, महादेव के शिवलिंग के पास में ही करेंगे, सुबह करना चाहे सुबह करें, शाम को करना चाहे शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में शहद है ना, उस शहद का लेपन पहले यहाँ पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, किसके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पहले तो शहद का लेपन करेंगे। शहद का लेपन करने के बाद उसी शहद के लेपन के ऊपर जो आपके पास में काला तिल है उसकी 1 चुटकी समर्पित करेंगे श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। शहद का लेपन अवधूतेश्वर महादेव, काले तिल की 1 चुटकी चढ़ाएंगे किसके नाम से, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आपको चढ़ानी हो, ठीक है। चढ़ाने के बाद प्रार्थना करना कि हमारे हस्बैंड का जो गुस्सा है महादेव आप इसे शांत कर दें, और उनको ठीक तरीके से बात करने के लिए आप सही करते ऐसे प्रार्थना करनी हो, प्रार्थना करना, है ना। अब मैंने तो कभी ऐसे प्रार्थना की नहीं है, बस मैं आपको समझाता हूँ कि भाई आप प्रार्थना ऐसे कर लेना। तो इतना करने के बाद जो आपने काला तिल यहाँ पे चढ़ाया था ना, उस काले तिल में से मात्र 2 दाने उठा लेना, ठीक है, 2 से 3 दाने उठा लेना, और उठाने के बाद फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। जो 2 से 3 काले तिल आपने उठाए हैं उसे लेके चले जाना आप अपने घर पे, है ना। और जब भी आप अपने हस्बैंड को करवा चौथ पे या फिर कभी भी किसी भी दिन खाने के लिए कुछ दें, तो उन्हीं 2 से 3 काले तिल को आपको मिक्स करके या फिर पीस करके कूट करके, इससे ज्यादा मत उठाना, 2 से 3 ही काला तिल चाहिए, और एक ही बार में खिला देना। उस इंसान का जो गुस्सा होगा वो धीरे धीरे करके शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ नाम याद रखना, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, शांत करने के लिए श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है ना। तो सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। 3 उपाय की हमने यहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने 4th उपाय की तरफ, जो कि हस्बैंड की गंदी हैबिट को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। गंदी हैबिट मतलब मान लेते हैं कि वो किसी गलत दिशा में चले गए हैं, ठीक है, वो सही दिशा नहीं है परिवार के लिए, आपके लिए। और दूसरा, अगर वो नशा बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब कि आपका पूरा घर उनके नशे से बर्बाद हो रहा है ना, तो इस काम को करिएगा। देखो
स्क्रीन पर आपको फिर से दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ फल जो कि महादेव को बहुत प्रिय हैं। ये फल है बेल का फल, लेकिन हमें फल से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, ये जो बेल की छाल आपको नहीं दिख रही है जो मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, इसको किसी चक्कू से ब्लेड से निकाल लेना, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में निकालना, थोड़ी देर के लिए इस छाल को किसी पानी में डुबा करके रख देना, ठीक है, जिससे ये हल्का मुलायम हो जाए। मुलायम होने के बाद इसको पीस लेना, और पीसने के बाद इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाना, जैसे कमलगट्टा दिख रहा है इतनी बड़ी बड़ी, ये तो ज़्यादा बड़ी हो गई, मैं कह रहा हूँ छोटी छोटी 7 गोलियां बनाओगे, इससे ज़्यादा मत बनाना, कितनी 7 गोलियां बनाना। अब इन 7 गोलियों को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, और जो 7 गोलियां होंगी ना, अपनी फेस की दिशा, अपना कहीं पे भी बैठना, खड़े होना, कुछ भी करना, जो 7 गोलियां आप बेल की छाल की बना करके लाए हो ना, उन 7 गोलियों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर 7 जगहों पर रखना, जहां पे भी आपकी इच्छा करे, यहां रख दो, 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 यहां रख दो। जब गोलियों को रखोगे तो यहां पे सबसे जरूरी है महादेव का नाम याद रखना, और वो नाम है नीलकंठेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उन 7 गोलियों को रखना। महादेव से प्रार्थना करना, हमारे घर का ये सदस्य है, चाहे आपके हस्बैंड हो, घर का भाई हो, पिता हो, कोई भी हो जो बहुत नशा करते हैं, उनके नाम से रखना, नीलकंठेश्वर महादेव का ध्यान करना, फिर उन 7 गोलियों को यहाँ से उठाना, और उठाने के बाद फिर एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। जो 7 गोलियाँ लेकर के गए हो, किसी भी चीज़ में मिला करके उन्हें खिलाना स्टार्ट कर दो नीलकंठेश्वर महादेव। अगर लगातार 7 दिन खिला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खिला सकते हो तो उन 7 गोलियों को किसी भी तरीके से कितने भी दिन में खिला देना, बस नाम याद रखना नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उपाय को करना, उनकी जो नशे की हैबिट होगी, उनकी जो गंदी आदतें होंगी, गलत डायरेक्शन की आदतें होंगी, वो सारी आदतें छूट जाएंगी। अगर आप उन्हें बता के करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताते हैं तो आप इन्हें चुपके से भी कर सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस महादेव का नाम याद रखना नीलकंठेश्वर महादेव, है ना। तो मैंने करवा चौथ पे आप सभी को करने वाले 4 उपाय की बात की है, तो मेरी तरफ से एक बार फिर से मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप लोग के रिलेशन को बहुत मजबूत रखें, आपके पति की उम्र लंबी करें, साथ ही साथ आप लोग की भी उम्र बहुत लंबी करें, ठीक है, ताकि अब दिन साल पर साल ऐसे ही करवा चौथ का व्रत रख पाएं। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।